भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन सिंह राणा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हमारी मांगों को लेकर ब्यूरोक्रेट्स द्वारा सरकार को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब भारतीय मजदूर संघ चुप नहीं बैठेगा और मांगे ना मानने पर सचिवालय का घेराव तक किया जाएगा। मदन राणा ने कहा कि गत माह हमीरपुर में आयोजित भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें एक भारतीय मजदूर संघ के 26 सूत्रीय मांग पत्र पर संघ को वार्ता के लिए बुलाना और दूसरा 14 मई 2018 की भवन एवं सनिर्माण कारगर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हेतु सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को बहाल करने की बात कही गई थी। राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ के 26 सूत्रीय मांग पत्र को विभिन्न विभाग अध्यक्षों को भेजकर उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अफसरशाही इस कदर हावी है कि विभाग अध्यक्षों ने अभी तक कोई बैठक नहीं बुलाई है, जिसके चलते भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारियों में अफसरशाही के खिलाफ रोष पनप रहा है। उन्होंने कहा कि अफसरशाही साजिश के तहत भारतीय मजदूर संघ की मांगों को लटका रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी के चलते भारतीय मजदूर संघ ने 14 फरवरी तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विशाल रैलियों का आयोजन करके जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 7 फरवरी को धर्मशाला में शहीद पार्क से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी, जिसमें भारतीय मजदूर संघ से संबंधित विभिन्न यूनियनें भाग लेंगी। रैली के उपरांत उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। इसके बावजूद अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा, जिसके लिए अफसरशाही जिम्मेदार होगी। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4-5-6 को हमीरपुर में हुई है, उसमें भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल सरकार को जो ब्यूरोक्रेट जो अफसरशाही इस सरकार के ऊपर इतनी हैवी है। भारतीय मजदूर संघ ने एक मांग पत्र प्रदेश की सरकार को पिछले साल जुलाई महीने में दिया था, सरकार ने बात के लिए नहीं बुलाया। इसका सारा का सारा जो कसूर है जो ब्यूरोक्रेटों का है, इसको लेके भारतीय मजदूर संघ क्या बोलते हैं सत्र धर्मशाला में नवंबर इसको फरवरी को धर्मशाला में एक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहा है। जो भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति का जो निर्णय है कि 20 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक पूरे प्रदेश के अंदर इन ब्यूरोक्रेटों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। राणा जी, आप मानते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर हावी है? देखिए, माने मुख्यमंत्री एक गरीब घर से निकले हैं, गरीब परिवार से निकले हैं, वो हर वर्ग की बात समझते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को बिना मांगे करोड़ों रुपए के वित्तीय लाभ दिए हैं। माने मुख्यमंत्री जो आदेश इन अधिकारियों को देते हैं वो अधिकारी टाल बटोल कर रहे हैं। हम माने मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए।